हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? जाहिर है अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दुआ है हमारी आप हमेशा खुश रहें और अच्छे से रहें। दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के सामने इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं। टॉपिक सिंपल है, कई जगह आपने देखा होगा उसे और कई जगह समझा भी होगा। बैरल के अंदर जो स्क्रू रहता है, स्क्रू जो होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, स्क्रू के अंदर क्या क्या होता है, उस पे बात करेंगे, उस पे जिक्र करेंगे। तो सिंपल टॉपिक हम लेके आप लोगों के सामने आए हैं, एल बाई डी रेशियो। एल बाई डी रेशियो क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया कई जगह इंटरव्यू में भी। आप लोग इस पे कंसंट्रेट होके देखना, लास्ट तक वीडियो देखना। और जो मेरे लिए नए, मेरे चैनल के लिए नए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें। बैरल के अंदर जो स्क्रू होता है, स्क्रू में जो फ्लाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, पिच ऑफ द फ्लाइट्स क्या होती है, डिप्थ ऑफ द फ्लाइट्स क्या होती है, और जो टोटल लेंथ ऑफ द स्क्रू वो कहाँ से क्या नापते हैं, कैसे नापते हैं, और टोटल आउटर डाया ऑफ द स्क्रू कहाँ से नापते हैं, कैसे नापते हैं, एनआरवी वाल्व क्या होते हैं, उसके सामने जो लगा रहता है जो रिंग प्लंजर, उसमें एनआरवी वाल्व कहाँ होते हैं उस पे जिक्र करेंगे। स्क्रू के भाग कितने होते हैं, वो कितने परसेंट में डिवाइड होता है स्क्रू, उस पे बात करेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं वीडियो। एल बाई डी रेशियो क्या होता है और इसको हम कहाँ से कैसे नापते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं एल बाई डी रेशियो। देखो दोस्तों, हमने डायग्राम में पहले ही सारी चीज बना के रखी हुई है। बैरल के अंदर जो स्क्रू रहता है उसमें क्या क्या होती है, और जिस पे हम जिक्र करने वाले हैं, आज जिस टॉपिक पे जिक्र करने वाले हैं उसका सब कुछ हमने डायग्राम के अंदर लिख दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है बैरल के अंदर स्क्रू इस डिजाइन का होता है, कुछ पहले आगे जो है वो मोटा होता है, उसके बाद पतला होता है, बैक साइड में पतला होता जाता है। ये स्क्रू है, स्क्रू में जो ये आप देख रहे हैं एड़े एड़े ऐसे हमने जो मार्किंग कर रखी है, ये फ्लाइट्स होती हैं स्क्रू के अंदर, जो स्क्रू के अंदर चारों तरफ से एक स्प्रिंग टाइप का रहता है, ये वो है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लाइट्स बोलते हैं। ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, फ्लाइट्स क्या होती हैं, पहले जहां पर नोजल लगती है आगे जो रहता है रिंग प्लंजर, उस साइड से बैक साइड फीड जोन की तरफ एरिया रहता है, उधर फ्लाइट्स ज्यादा रहती हैं। ये स्क्रू है, यहां से इतना आप मान लीजिए इसका ये फीड जोन है, फीड जोन होता है 50%, स्क्रू का जो फीड जोन है वो 50% होता है, ट्रांजिशन जोन होता है 25%, और जो मीटरिंग जोन होता है वो होता है 25%। मतलब इधर से जो फीड जोन है यहाँ तक आने के लिए उसका जो एरिया है वो ज़्यादा होता है, उसके बाद ट्रांजिशन जोन होता है, उसके बाद मीटरिंग जोन होता है जहाँ पर जो ये रिंग प्लंजर लगा रहता है उस एरिया साइड में। यहाँ पर एनआरवी वाल्व लगे होते हैं, या इसको बोलते हैं चेक रिंग होती है, या फिर नॉन रिटर्न वाल्व होते हैं, यहां पर लगे रहे। ये फ्लाइट्स हो गई, फ्लाइट्स के एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट्स के बीच की जो दूरी होती है, एक फ्लाइट से दूसरे फ्लाइट के बीच की दूरी होती है जो, उसको बोलते हैं पिच ऑफ द फ्लाइट्स। क्या बोलते हैं, पिच ऑफ द फ्लाइट्स। ये फ्लाइट्स हो गई, पिच ऑफ द फ्लाइट्स इसका जो डिस्टेंस रहता है, इसके बीच की दूरी रहती है, उसे पिच ऑफ द फ्लाइट्स कहते हैं। जो ये एरिया है इसकी जो डिप्थ होती है, ये चौड़ाई इसको बोल सकते हैं आप, जो चौड़ाई रहती है फ्लाइट्स की, चौड़ाई होती है वो होती है यहां से यहां तक की, ये जो फ्लाइट्स है जिसकी ये चौड़ाई होती है इसको बोलते हैं फ्लाइट्स डिप्थ। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक जो हमने ले रखा है, वो टॉपिक है एल बाई डी रेशियो क्या होता है। एल बाई डी रेशियो क्या होता है, उससे पहले जानना जरूरी है कि डी क्या होता है और एल क्या होता है। हमें बात करनी है एल पे, पहले एल हम लेते हैं। एल क्या होता है, स्क्रू की जो टोटल लेंथ रहती है उसे बोलते हैं एल, यानी कि लेंथ ऑफ द स्क्रू यहां से लेकर यहां तक की पूरी दूरी जो रहती है, यहां से यहां तक की पूरा जो दूरी रहती है, या यहां से यहां तक का जो
पूरा एरिया रहता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द स्क्रू। ये हो इसको डिनोट करते हैं एल से, एल से हमने डिनोट कर दिया। इसके बाद बात आती है डायामीटर क्या होता है, स्क्रू का डायामीटर क्या होता है। ये है स्क्रू, पूरा स्क्रू का जो ये एरिया रहता है पूरा उसका स्क्रू का आउटर डाया होता है, इसे आउटर डाया बोला जाता है। यहां से पूरा लिया जाएगा यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं डायामीटर ऑफ द स्क्रू। स्क्रू का डायामीटर पूरा ये जो एरिया रहता है ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है वो होती है स्क्रू का डायामीटर, स्क्रू का डायामीटर। अब हम बात करते हैं एल बाई डी रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होता है। सिंपली आप कह सकते हैं देखिए ये एल बाई डी रेशियो, इनका जो अनुपात है वो ही तो एल बाई डी रेशियो है। यानी कि आप अब कह सकते हैं इसको थ्योरी में अगर लेना चाहे तो कह सकते हैं लेंथ ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाई डायामीटर ऑफ द स्क्रू, यानी कि जो लेंथ है उसको डिवाइड कर देते हैं डायामीटर ऑफ द स्क्रू, स्क्रू के डायामीटर से स्क्रू की लेंथ को डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है एल बाई डी रेशियो। इट सिंपली कॉल्ड द रेशियो ऑफ द स्क्रू लेंथ एंड डायामीटर ऑफ द स्क्रू लेंथ इज कॉल्ड एल बाई डी रेशियो। यानी कि एल बाई डी रेशियो लेंथ का और जो डायामीटर है उसका जो आउटर डायामीटर है स्क्रू का इसका अनुपात होता है एल बाई डी रेशियो। एल बाई डी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे हम इसको बता सकते हैं कि इतना रेशियो रहना चाहिए। एल बाई डी यानी कि लेंथ ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाई डायामीटर ऑफ द स्क्रू, ये स्क्रू का डायामीटर है इसको डिवाइड कर देंगे तो आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं। आपको पता होगा स्क्रू की लेंथ कितना है, आप मैनुअल में देख लें या उसका मशीन का स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप इसको नाप लेंगे या देख लेंगे और डायामीटर ऑफ द स्क्रू से डिवाइड कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा। अमूमन ये देखा जाता है मशीन में जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल यूज करते हैं उसमें 20:1 से लेकर 24:26:1 का हम रेशियो लेते हैं। मशीन के स्क्रू का जब डिजाइन होता है या फिर मशीन के स्क्रू का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है जब तब हम लेते हैं उसका जो रेशियो लेके मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं वो होता है 20:1 या फिर रियर केस में हम 24:26:1 कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक्स के लिए। अब थर्मोसेट प्लास्टिक की बात करें, थर्मोसेट प्लास्टिक की बात करेंगे तो 16:20:1 तक का रेशियो हम लेते हैं एल बाई डी का। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बहुत जगह देखा गया है कि फिल टाइम में वेरिएशन आ जाता है, कुशन में वेरिएशन आ जाता है। शॉर्ट साइज जो हमने सेट किया पहले पार्ट को फिल करने के लिए 100 mm जैसे लग रहा है तो 120 mm हम दे दिए तब भी पार्ट नहीं भर रहा है, 140 mm हमने दे दिया तब भी पार्ट नहीं भर रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्यों होती है ये प्रॉब्लम्स? केवल इसी की वजह से होती है, ये या तो रिंग प्लंजर उसका डैमेज हो चुका होता है या घिस चुका होता है या फिर इसकी जो फ्लाइट्स हैं फ्लाइट्स की जो डिप्थ है डिप्थ कम हो जाती है, फ्लाइट्स कम हो जाती हैं, यहाँ डैमेज हो जाता है स्क्रू और चलते चलते अंदर मटेरियल से स्क्रू कटता रहता है इसलिए डैमेज हो जाता है, तभी चेंज करने की जरूरत पड़ती है स्क्रू को, फ्लाइट्स डैमेज हो जाती है, ये प्रॉब्लम आती है पार्ट फिलिंग में, बहुत इशू आता है, बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं आपको प्रोसेस करने में, इसलिए इसकी जो लाइफ है वो लाइफ खत्म हो गई तो हम इसको चेंज करते हैं, इसलिए इसका पीएम होता है। तो रिंग प्लंजर को हम विधिवत चेक करते हैं कि इसमें बैक फ्लो तो नहीं है, बैक फ्लो को चेक करके तब डिसाइड करते हैं कि स्क्रू अभी सही है या फिर इसकी फ्लाइट्स कट गई हैं या फिर अंदर से घिस गया है स्क्रू या फिर रिंग प्लंजर में प्रॉब्लम है, वही हम चेंज कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम का सलूशन हो जाता है तो हमको प्रोसेस करने में कोई इशू नहीं आता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।